नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मोदी जी और योगी जी अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी और उनकी पत्नी के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज अचानक कहीं सालों बाद जो प्रधानमंत्री मोदी अपनी पत्नी जसोदा बेन से मुलाकात किए। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुलाकात का पूरा वीडियो आपको थोड़ी देर में लाइव दिखाया जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को आगे बगाए बिना आखिर तक जरूर देखते रहें। और दोस्तों, यदि आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने कहीं बार सुना होगा कि मोदी जी ने कहा है कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी को जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता तो वो अपने परिवार वाले और अपनी माता जी से मुलाकात करने जरूर जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की माता जी की उम्र जी 97-98 साल हो चुकी हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि भले ही मोदी जी और उनकी पत्नी कितने सालों से क्यों ना अलग अलग रह रहे हो, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी हमेशा से मोदी जी के बारे में अच्छा ही सोचती आई है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जब पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, तब मोदी जी की पत्नी ने कहा कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि मोदी जी इस समय देश के दोबारा प्रधानमंत्री है, और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने ऐसे कहीं पुराने से पुराने मुद्दों को उखाड़ कर फेंक दिया, जिस पर कहीं पार्टियां बरसों से राजनीति करती आई और बनावटी बातें करती आई हैं। जैसा कि आपको बता दें, कश्मीर से धारा 370 और 35 है, और साथ ही राम मंदिर का मुद्दा मोदी जी जैसे ही दोबारा प्रधानमंत्री बने इन मुद्दों को सुलझा दिया है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आज भी मोदी जी की पत्नी खुद के दम पर छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करती है, ना कि मोदी जी से किसी तरह की उम्मीद रखती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी एक रिटायर्ड शिक्षिका है। बताया जाता है कि उनको वर्तमान में जो 14,000 रुपये पेंशन भी मिलती है, जिससे वो अपना घर और परिवार चला। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की शादी है जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव में हुई थी। आपको बता देना चाहते कि बड़े ही धूमधाम से उस समय मोदी जी की शादी की गई थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ये शादी सिर्फ 3 साल चली, और इन 3 सालों में बताया जाता है कि मोदी जी और उनकी पत्नी का जो साथ था वो सिर्फ 3 महीने का ही था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी संघ और आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। हालांकि आपको बता दें, जब पहली बार मोदी जी की पत्नी जी की ससुराल आई, तब मोदी जी ने कहा कि तुम इतनी छोटी उम्र में ससुराल क्यों आई, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उस समय मोदी जी की पत्नी की उम्र 16-17 साल थी, और मोदी जी की 20-22 साल थी हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, मोदी जी ने ये भी बताया कि मैं पूरे देश के भ्रमण पर निकलूंगा, जहां पर मुझे अच्छा लगेगा मैं वहां पर रह सकता हूं, तुम मेरे साथ क्या करोगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश की सेवा में लग गए, और वो अपने संघ और आरएसएस में चले गए हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी है जी पहले 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि मोदी जी लगातार पहले 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और साल 2014 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वो भी बड़ी जीत के साथ। और साल 2019 आते आते तो उससे भी बड़ी जीत के साथ है जो मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय मोदी का डंका जो कि देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आज इंडिया ही नहीं बल्कि ऐसे कहीं देश है जो उनको फॉलो करते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी ने भारत देश का नाम है जो पूरी दुनिया में रोशन किया है। और आपको बता दें कि आज भी मोदी जी का जो परिवार है खुद के दम पर अपना छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करता है। मोदी जी के जो भाई वगैरह है वो भी कोई छोटी मोटी दुकान चलाकर अपना घर और परिवार चलाते हैं, ना कि मोदी जी से किसी तरह की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी और उनकी पत्नी से पूछे गए एक सवाल और एक इंटरव्यू में कि दोनों पति पत्नी के अलग होने की वजह के बारे में, तो मोदी जी की पत्नी ने बताया कि दोनों का ही ना तो किसी तरह का झगड़ा हुआ और ना ही कोई बात हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि वो देश की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश की सेवा में लग गए हैं। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने जी अपना पूरा जीवन है जी देश की सेवा में बिता दिया है। और आप जानते हो कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जी भारत देश के भी दुश्मन देश थे उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चाहे दोस्तों आप पाकिस्तान ले लो या फिर चीन ले लो, आपको बता देना चाहते हैं कि भारत ने जी पाकिस्तान को कई बार मुंह तोड़कर जवाब दिया, और भारतीय सेना ने उनके घर में घुसकर मारा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस समय कहीं ना कहीं जो चीन और पाकिस्तान जानता है कि इस समय भारत में एक मजबूत सरकार है, एक मोदी सरकार है जो दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दे सकती है।
इस समय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान है जो कि पीओके को लेकर काफी डरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान जानता है कि मोदी सरकार है जो कि कहीं उनसे पीओके ना छीन ले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज नहीं तो कल है जो कि पीओके भारत का हिस्सा होकर रहेगा। ये बात है जो कि संसद में भी कई बार उठ चुकी हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, इंतजार है तो सिर्फ एक आदेश का। आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना ने कई बार है जो इस समय दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में खाने तक के लाले पड़े हुए, भूखमरी और गरीबी जैसे दिन ब दिन हालात बढ़ते हुए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पूरी देश और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जो कि आतंकवाद को पालता और आतंकवाद को ट्रेनिंग देता, इसीलिए उनके साथ कोई भी देश खड़ा होने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत के साथ कई देश मजबूती के साथ खड़े हैं और भारत भी इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ कहीं बार है जो कि उनकी जनता भी वहाँ के विरोध प्रदर्शन में आपको बता दें कि सड़कों पर उतरा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की जनता का भी मानना है कि पाकिस्तान में तब हालात जब खराब होने ज़्यादा शुरू हो गए जब वहाँ पर पीएम इमरान खान की सरकार बनी है। आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 है हटाने के बाद पाकिस्तान के दिन ब दिन और भी ज़्यादा खराब होते हुए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अब चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, आपको बता देना चाहते हैं कि यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अपनी ही मुँह की खाने के लिए तैयार रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये बात चीन भी अच्छी तरीके से समझ चुका है कि ये ना कि 1965 वाला बल्कि आज का हिंदुस्तान है और साथ ही मोदी सरकार है जो कि दुश्मन को उसी की भाषा में और कभी भी बड़ा एक्शन एजुके एक ही झटके में ले सकती हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि साल दो साल पहले आपने देखा ही होगा कि भारत और चीन की झड़प हुई, जिसमें दुख की बात है कि हमारे भी भारतीय सेना के 20-22 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि खबरों की माने तो भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंह तोड़कर जवाब दिया था, जिसमें है जो उनके भी 40 से 42 सैनिक मारे जाने की खबरें सामने आई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस बात को चीन ने कबूला नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि ये आज का हिंदुस्तान है और नया भारत है, दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है। पहले आपको बता दें कि भारत पहले गलती करता नहीं, यदि अब कोई भी गलती करेगा तो अब उनको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको बता दें मोदी सरकार है बड़े से बड़ा एक्शन है जो कि एक ही झटके में ले सकती हैं। दोस्तों ऐसे ही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश की सेवा कर रहे हैं और अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसे अपराध और ऐसी घटनाओं पर लगाम लग चुकी जो कि आए दिन सुनने को मिलती थी। आपको बता देना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के एक बहन है जिन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वो भी कोई छोटी मोटी फूलों की दुकान चलाकर अपना घर और परिवार चलाती हैं। दोस्तों खबरों की माने तो योगी आदित्यनाथ जी का एक भाई है, वो भी आर्मी में रहकर अपने देश की सेवा कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ये मोदी जी और योगी जी जो अपना घर और परिवार छोड़कर अपने इस समय देश की सेवा कर रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के परिवार के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।